दोस्तों, जो भी आप लोग थंबनेल पे देखे होंगे कि एसएससी जेई ने किया स्टूडेंट के साथ धोखा, ये बिल्कुल सही है। और किस बेसिस पे मैं लिखा हूँ, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जेई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब देखिए, स्टूडेंट के साथ ये किस प्रकार से धोखेबाजी की गई है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। क्या सच में एसएससी जेई अब आईईएस को फॉलो करने लगी है, मींस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन को, और किस बेसिस पे जो स्टूडेंट अब रोना शुरू कर दिए हैं, क्या इसमें बदलाव ऐसा किया गया जो स्टूडेंट के बीच बहुत ज़्यादा जो आक्रोश है वो आ रहा है। तो आइए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। बस आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और मैं 100% आपको बताता हूँ कि एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और आपसे छूट जाएगा। और किस बेसिस पे जो एसएससी ने बहुत ज़्यादा टफ कर दिया एग्ज़ाम को, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए इसका कब से कब आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा कुछ आप लोग देख लीजिए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए मैं डायरेक्ट उस पर आऊँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके कुछ एज क्राइटेरिया दिया गया है जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट के बीच में डाउट है कि आप बीटेक वाले भर सकते हैं या नहीं, जी हाँ दोस्तों, 100% बीटेक वाले सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो आप लोग से पहले जो आपके बदलाव किए गए, डायरेक्ट मैं उसी पॉइंट पे आऊँगा बिना टाइम बर्बाद किए हुए। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी का सलेक्शन प्रोसेस है, दो स्टेजेज में आपका सलेक्शन होगा, पेपर वन और पेपर टू। ये दोस्तों आप लोग पहले से ही जान चुके होंगे। फर्स्ट पेपर जो है आपका कॉमन है, आप लोग देख ही सकते हैं फर्स्ट पेपर जैसा पहले था वैसा ही अब भी रहेगा, जिसमें से कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, फिर जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, फिर आपके जो कोर ब्रांच है उससे 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, जिसमें से आपको टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये दोस्तों आप सभी के लिए कॉमन है। अब जो मोस्ट चेंजेस किया गया है वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं पेपर टू, जी हाँ दोस्तों, अब देखिए पेपर टू जो आपका है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें से आपके जो भी कोर ब्रांचेज हैं, देखिए ऑनलाइन जो आपके एग्ज़ाम होंगे सीबीटी टू, ये भी आपके लिए धोखाधड़ी नहीं है। आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपको जानना, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, पेपर टू जो आपके डिस्क्रिप्टिव होते थे, अब क्या किया गया, अब आपके एमसीक्यू ही रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही होंगे, सीबीटी क्वेश्चन ही रहेंगे, सीबीटी बेस्ड एग्जाम होंगे, जिसमें से आपके कोर ब्रांच से 100 क्वेश्चन होंगे और जो कि 300 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आपको मात्र 2 घंटे के टाइम दिए जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है वो आप लोग यहाँ भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर आपके साथ जो बहुत ज़्यादा नाइंसाफी हुआ है वो आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पेपर वन एंड पेपर टू दोनों कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, चलिए यहाँ तक तो ठीक है। इसके साथ ही अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो निगेटिव मार्किंग पे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आपके होंगे, ये आप लोग देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो आपके हैं वो पेपर वन पेपर टू, यहाँ पे देख सकते हैं पेपर वन एंड पेपर टू, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3। जी हाँ दोस्तों, आपके दोनों में जो निगेटिव मार्किंग होंगे वो 1/3 होंगे, जिससे कि इस एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा टफ कर दिया गया। आप लोग समझते ही होंगे कि 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से ही आएंगे, 50 क्वेश्चन रीजनिंग से ही आएंगे, फिर प्री वन में आपके 100 क्वेश्चन ही टेक्निकल से होंगे। तो दोस्तों, जिनका भी अगर जो हम बात करें जनरल अवेयरनेस अच्छा नहीं है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुसीबत खड़ी होने वाली है, जो कि 1/3 निगेटिव मार्किंग करके, ये आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं आपके पेपर वन और पेपर टू दोनों में क्या होंगे, 1/3 निगेटिव मार्किंग होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, बोला गया कैंडिडेट्स आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ओन स्लाइड रूल्स, कैलकुलेटर, लॉगरिथम टेबल एंड स्टीम टेबल आप लोग पेपर टू में सिर्फ आप लोगों के लिए अलॉइड किया गया है, पेपर वन में नहीं किया गया, ये आप लोग याद रखिएगा। आपके यहाँ पे 100 रुपया लगने वाला है, ये तो कॉमन है, ये भी आपके लिए सेम ही है। तो दोस्तों, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए सिलेबस, आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। इसके बाद मैं फिर से कुछ आपको ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं करीबन आपके सिलेबस अप्रॉक्स सेम है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बढ़ाए गए हैं,
आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं। अब चलिए इसी के साथ हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए उस पर हम लोग चलेंगे। देखिए टोटल अगर हम लोग पोस्ट की बात कर ले वैकेंसी की, तो देख सकते हैं BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन JEE, जिसमें से आपके टोटल जो पोस्ट हैं 431 हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे फिर BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में ही फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए आपके जो टोटल पोस्ट हैं वो मात्र 55 हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD, तो इसमें से आपके टोटल 421 पोस्ट हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर कुछ इस प्रकार आपके यहाँ पे पोस्ट रखे गए। टोटल अगर हम लोग पोस्ट की बात करें तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं टोटल आपके 1324 पोस्ट हैं और कुछ बैकलॉग के हैं, तो सारा मिला के 1347-48 के अप्रॉक्स आपके पोस्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेंच मार्क यहाँ पे। इसी के साथ हम लोग अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपके जो एज रिलेशन है उसमें भी दिए जाएंगे, और आपके जो एज हैं वो एज क्राइटेरिया जो है वो किसी पोस्ट में 30 ईयर्स दिया गया और किसी पोस्ट में 32 ईयर्स दिया गया। इसके साथ ही जो भी आप लोग कैटेगरी वाइज आते हैं तो उसमें से आपके जो छूट हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं, कुछ इस प्रकार आपके हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात करूँगा, सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन को लेकर। तो देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्वालिफ़िकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्वालिफ़िकेशन को लेकर परेशान हैं, बीटेक कर रखे हैं और बहुत सारे क्वालिफ़िकेशन में सिर्फ डिप्लोमा बोला गया, तो क्या बीटेक वाले डिप्लोमा में अप्लाई नहीं कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप लोग 100% कर सकते हैं, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आप लोग कर सकते हैं। आपको देख लीजिए यहाँ पे कुछ सेंटर जो दिया गया, जिस भी आप लोग स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इतने सारे सेंटर दिए गए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इसमें जो भी आपके बदलाव किए गए आपको समझ में आया होगा, और SSC अब चाहती है कि मुझे सिर्फ क्रीम बच्चे ही चाहिए, तो इसलिए आपको और अच्छे से मेहनत करना होगा। इसी के साथ चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।